संयम रेडी रेडी सर चल साहब काम चल रही रहता है। और दोस्तों इस तरह से हम चार साथी निकल पड़े एक्सकर्शन के लिए गरोला से बैजनाथ पपरोला। बैजनाथ पपरोला हिमाचल प्रदेश का एक कस्बा है और हमारा मेन चार्म था कि हम यहाँ पर जाके छोटी लाइन की नैरो गेज की ट्रेन में सवारी करेंगे और आप आगे देखेंगे इस ट्रेन में सवारी का मज़ा जो कि इस ब्लॉग में आपको मिलेगा इसके अगले भाग में। तो दोस्तों मेरे साथ संयम विशाल जी और वेम्पतु श्रीनिवासु जी ये साथ में हमने एक ग्रुप बनाया और चल पड़े और सबसे पहले हम पहुँचे चंबा गेस्ट हाउस। गरोला से चंबा लगभग 55 किलोमीटर है। चंबा गेस्ट हाउस में हमने चाय पी, चाय पीने के बाद थोड़ा अपने आप को रिलैक्स किया, लगभग एक डेढ़ घंटे के आसपास लगते हैं और इसके बाद हम वहां से विदा लिए और आगे बढ़ गए। थैंक यू उस्ताद जी, क्या कह रहे हैं आप? आपकी यात्रा शुभ हो सर। थैंक यू अजय। अब हम चलते हैं, मिलेंगे परसों शाम को। ओके सर, ओके। तो गेस्ट हाउस में थोड़ा रेस्ट कर हम आगे बढ़ चले। अब हम पहुंचेंगे नूरपुर और ये हम जाएंगे बनीखेत तुनुहट्टी के रास्ते लाहड़ू जुआड़ी होते हुए और दोस्तों नूरपुर में जाके हम रात को हॉल्ट करेंगे और इसके बाद कल सुबह छोटी लाइन की ट्रेन से हम जाएंगे बैजनाथ पपरोला और आप देखेंगे कितनी शानदार जर्नी है और कितनी ब्यूटीफुल ट्रेन है और सब हिमालयाज में कितना सीनिक ब्यूटी है। तो चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपने सफर पर और अब हम चंबा हरदासपुरा जहाँ हमारा गेस्ट हाउस है उससे आगे निकल रहे हैं और हमने रामा पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराया जो कि लाला संसार चंद जी के वंशजों का है। मैंने चंबा की रामलीला में आपको ऑलरेडी बताया था लाला संसार चंद जी के बारे में जिन्होंने रामलीला की नींव रखी थी। और दोस्तों गाड़ी में पेट्रोल टैंक फुल कराकर हम चल पड़े नूरपुर के लिए और ये अब हम चंबा छोड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं दाहिनी ओर तारों जैसा दिख रहा है, ये झिलमिलाती रोशनी है घरों की और हम पहाड़ी रास्तों पर सुनसान पहाड़ी रास्तों पर चल पड़े हंसी मजाक करते हुए दोस्तों। और इसके बाद हम पहुंच रहे हैं बनीखेत। मैं इसे बहुत ज़्यादा अंधेरे सफ़र का नहीं दिखाऊंगा, यह बनीखेत है। बनीखेत से अगर बाईं ओर आप जाते हैं तो थोड़ी दूरी पर डलहौजी है, हमने बनीखेत भी छोड़ दिया। बनीखेत पीछे छोड़ने के बाद हमने नैनी खड्ड में एक एक कप चाय पी और ये खूबसूरत नज़ारा है बनीखेत का दोस्तों। तो आगे बढ़ते रहते हैं, रात का सफ़र पहाड़ों में बहुत आसान होता है। गाड़ी की लाइटें देखते जाइए और ड्राइव करते जाइए और मुझे ड्राइव करने का बहुत शौक है। तो ये नैनी खड्ड में एक होटल है, आप नैनी खड्ड से पहले ही बाएं हाथ पे और अक्सर यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ रुकती हैं, रोडवेज़ की गाड़ियाँ भी टैक्सीज़ भी और ये एक मिड पॉइंट जैसा है और यहाँ पर आप चाय पी सकते हैं और स्नैक्स ले सकते हैं। तो हमने थोड़े से चाय पी और स्नैक्स लिए थोड़े से और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। सबसे छोटा साथी है वो संयम है जो जितनी उसकी उम्र है उतनी मेरी नौकरी हो चुकी है लगभग। उसके बाद विशाल जी हैं, उसके बाद मैं हूँ और सबसे वरिष्ठ साथी जो हैं श्री वेम्पतु श्रीनिवासु जी हैं। तो मेरे और विशाल जी में लगभग 5 वर्षों का फासला है और श्रीनिवासु जी मुझसे लगभग 10 वर्ष वरिष्ठ हैं। और ये मेरी प्यारी रिज कार जो मुझे अक्सर घुमाती रहती है, मैं इसमें हमेशा घूमता रहा हूँ और अब आप इसे देख रहे हैं मेरी ब्लॉगिंग में, ये अक्सर मुझे आपको मेरे साथ दिखेगी और इसे मैं यहाँ अपनी पोस्टिंग पे रखता हूँ अपने साथ। ये 2012 मॉडल की रिज है, वंडरफुल कार, 1200 cc की गाड़ी और धुआं उड़ाते हुए उड़ती है। मैं इसे पिछले 12 सालों से उपयोग कर रहा हूँ और ये हमेशा मेरा साथ देती है, मेरी प्यारी ब्यूटीफुल कार।
दोस्तों नैनी खड्ड में एक एक कप चाय पीकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको अंधेरे का सफर बहुत ज्यादा नहीं दिखाऊंगा और हम लाहड़ू के रास्ते नूरपुर पहुंचेंगे। हम सफर करते हुए लाहड़ू आ गए, अंधेरा हो चुका है, रात घिर चुकी है, कोई शाम के 8:30 बजे का वक्त है। और आप देखें ये जो तिराहा है इससे बाईं ओर अगर आप जाएं तो आप जोत के रास्ते भी चंबा जा सकते हैं, जो कि छोटा रास्ता है। पर ध्यान रखें दोस्तों, इस रास्ते में ज़्यादा वेंचर आउट ना करें, ये इकहरा रास्ता है और एक बहुत ऊंचे जोत पास से होकर जाता है, और अगर रास्ता बंद हो गया तो आपको वापस आकर दूसरा रास्ता लेना होगा। इसलिए तुन्नु हट्टी का रास्ता सबसे अच्छा है। और एक और रास्ता है जो दुनेरा से सुल्याली होकर नूरपुर जाता है, लेकिन हम उस रास्ते पे नहीं गए, हमने तुन्नु हट्टी से रास्ता पकड़ा लाहड़ू का। लाहड़ू से अब हम आगे बढ़ रहे हैं चुवाड़ी की ओर, और चुवाड़ी से आगे बढ़कर हम चुवाड़ी से लगा हुआ ये लगे हुए शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं लाहड़ू, चुवाड़ी और नूरपुर। तो हम कुछ ही देर में नूरपुर पहुंच जाएंगे। नूरपुर पहुंचने के बाद हम नाइट हॉल्ट करेंगे दोस्तों। नूरपुर पहुंचने के बाद हमारा नाइट हॉल्ट होगा नूरपुर रोड रेलवे स्टेशन के पास, और जिसका दूसरा नाम जसूर भी है। तो हमारा नाइट हॉल्ट होगा जसूर में, और अब हम पहुंचने वाले हैं जसूर थोड़ी देर में दोस्तों, रात के 10 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। गाइस रात के 10 बज रहे हैं और ये हम जसूर पहुंच गए, जिसे नूरपुर रोड भी कहते हैं। और हम यहां से छोटी लाइन से कांगड़ा वैली रेलवे से कल सुबह बैजनाथ जाएंगे, और हम इस रेलवे लाइन को एंजॉय करने आए हैं। और हमें आते आते काफ़ी देर हो गई, रात के 10 बज रहे हैं, और हमें जल्दी में एक छोटा सा होटल मिला और हम इसमें ही आ गए हैं। कल सुबह हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे कांगड़ा के लिए, और ये एक जसूर में आप आकर रुक सकते हैं। यहाँ पे ढाबे हैं, ढाबों में लॉन्ग रूट की बसेज रुकती हैं, और यहीं छोटे छोटे होटल्स हैं, मतलब रूम हैं इनमें। और भी होटल्स होंगे पर इतनी रात है तो हमने जहमत नहीं मोल ली कि हम जाके होटल खोजें। आप देख सकते हैं ये वॉल्वो बस, ये सब लॉन्ग रूट की बसेज हैं जो जम्मू से आती हैं, कि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट की बसेज हैं, जो कि ये सब तलवाड़ा होकर के तलवाड़ा ऊना के रास्ते दिल्ली जाती हैं। और ये ढाबे हैं, आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं। ये चल पड़ी हैं बसेज दिल्ली के लिए। सुबह हम निकलेंगे, हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, आप इस पेट्रोल पंप के पास जसूर में आकर होटल में रुक सकते हैं। हमारे साथी ऊपर फ्रेश हो रहे हैं। क्या क्या ऑर्डर किया संयम? चार मखनी, अब बताने की जरूरत नहीं, ये आई गई दाल मखनी, ये पालक पनीर, ये पटका पानी, चटनी खिला करो, करेंगे करेंगे चटनी खिला, चटनी आपको यहाँ पे मिल गई, चटनी अच्छा लगता है। कौन सी चटनी क्या डल गया हमें भी कहाँ जीवरा मैस में चटनी चटनी खाने चटनी की आदत लग गई सबको, हमारा डीसी से लोग बनाता नहीं चटनी, चटनी की आदत लग गई जीवरा मैस में इनको। नूरपुर रोड रेलवे स्टेशन पास ही था और हमने रात को ही जाकर जानकारी इकट्ठी कर ली ट्रेन के बारे में, क्योंकि टिकट रिजर्वेशन नहीं होता दोस्तों। तो पहुंच गए हम स्टेशन, अब हम पहुंच चुके हैं नूरपुर रोड रेलवे स्टेशन। कल सुबह हम यहां से बैजनाथ पपरौला के लिए निकलेंगे, नूरपुर रोड से बैजनाथ पपरौला सुबह बात करते हैं। हम आकर के तैयार हैं हमारे साथी, और ये रेलवे स्टेशन है और ये छोटी लाइन की गाड़ी है, तो तैयार है। कल सुबह हम इस ट्रेन से निकलेंगे बैजनाथ पपरौला और पहाड़ी रास्तों का मजा लेते हुए जाएंगे। आपकी गाड़ी तैयार है। गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, हमें सुबह उठकर बैजनाथ पपरौला के लिए जाना था ट्रेन से, पर हमारा साथी संयम उसे नींद आ रही थी, और हमने कहा ठीक है हम 2:30 बजे की ट्रेन से जाएंगे, इस बीच हम नूरपुर के आसपास की जगह ही घूमेंगे। आखिरकार हम घूमने निकले हैं तो घूमने के लिए कहीं भी घूमा जा सकता है। और मेरे पीछे आप देखें, अब ये नूरपुर टाउन, माफ़ करें जसूर, नूरपुर हम पीछे छोड़ आए थे। और ये जसूर, यहाँ से आगे मेरे पीछे की ओर पठानकोट चले जाते हैं, और इसके उल्टे कांगड़ा। विशाल जी मेरे साथ अब चाय की तलाश में निकल गए हैं, अब हम चाय पियेंगे एक एक कप,
हम सुबह एक कच्चे कप चाय की तलाश में आ गए हैं और ये सुबह मंडी, सब्जी मंडी। और आप ये बोर्ड देखें दुकान का, परमोरी स्वीट हाउस पंजाब में। आप ये कुछ दिखते हैं हिमाचल पंजाब के बॉर्डर पे, टांगों का चलन पंजाब हिमाचल में ज़्यादा रहा है। दोस्तों अच्छी चाय ना मिले तो दिन ख़राब हो जाता है, और सुबह अच्छी चाय मिल जाए तो दिन बन जाता है। विशाल जी भी चाय के शौकीन हैं और मैं भी चाय का शौकीन हूँ, तो हमने एक चाय की दुकान ढूंढ निकाली और हम आ गए यहाँ पर। और चाय की दुकान जो जसूर का चौक है, जहाँ से आप चंडीगढ़ के लिए मुड़ते हैं, लगभग 100 मीटर आगे ये दुकान मिलती है, जहाँ आपको बेहतरीन चाय मिलेगी। आप यहाँ आकर चाय का मजा ले सकते हैं। दोस्तों फ्रेंड्स, फाइनली बढ़िया क्वालिटी की चाय मिली गई, और वो मिली हमें इस सब्जी मंडी में, छोटी सी दुकान में। बड़ी दुकान वालों की नौटंकियाँ ज़्यादा होती हैं, तो अब मैं और विशाल जी सुबह सुबह चाय का मज़ा ले रहे हैं, इसके बाद ब्रेकफास्ट और फिर हम चलेंगे अगले पड़ाव पे। हमारे साथी गुड मॉर्निंग सर जी भी नहा धो कर आ चुके हैं। अब नमस्कार, चाय भाई पी लिया आप? नहीं पिया अभी, चाय भी पियेंगे ना? ओके ओके, तो आइए, आपका चाय की दुकान में स्वागत है। हम तो पी लिया, आपको फोन कर रहे थे, आप उठे नहीं थे या नहा रहे थे लगता है? नहीं नहीं, ना सही, हम नहा रहा था, मैं तैयार हो रहा था। ओके ओके, तो आपके लिए चाय अब तैयार है। धन्यवाद। ये हमारे वेम्पत्तु श्रीनिवासी जी हैं, और वेम्पत्ति श्रीनिवासी जी हैं, तो साउथ इंडिया का नाम लेने में ऐसा ही हो जाता है, वेम्पत्ति श्रीनिवासु बोलना है तो वेम्पत्तु श्रीनिवासी निकलता है, और श्रीनिवास को भी कम से कम 5 या 6 या 7 तरीके से लिखा बोला जा सकता है, तो आप माइंड नहीं करेंगे। सर चाय की ये दुकान है और यहाँ पे बहुत अच्छी चाय है, आप चाय लें फिर दिन का प्रोग्राम तय किया जाए। हमने जल्दी जल्दी जानकारी ले ली नूरपुर के आसपास घूमने की जगहों की, क्योंकि हमने प्लान बदल दिया था। सुबह 6 बजे की ट्रेन हमने बैजनाथ के लिए छोड़ दी थी और 2:30 बजे दिन की ट्रेन ले ली थी। वजह ये कि सुबह हम वैसे ही रात को देर हो गई थी, सोते सोते 12 बज गए थे रात के, खाना खा के नूरपुर हमने तय किया कि हम आसपास घूमेंगे और फिर 2:30 बजे की ट्रेन से बैजनाथ जाएंगे, जिससे हम दिन का भी मजा लें और रात का भी। और ये दोस्तों फिर हम निकल पड़े नूरपुर फोर्ट के लिए। तो ये अब जसूर छोड़कर हम अपने सामान के साथ अब चल रहे हैं, हम नूरपुर फोर्ट घूमेंगे, इसके बाद हम अपनी गाड़ी जो है वो एक ड्राइवर के हाथ बैजनाथ पपरोला भिजवा देंगे और हम यात्रा करेंगे टॉय ट्रेन की जो चलती है नूरपुर से बैजनाथ पपरोला। वेरी गुड सर, वी आर स्माइलिंग, वेरी गुड। मिश्रा साहब फीलिंग कंफर्टेबल? यस वेरी गुड सर। नाउ वी आर हेडिंग फॉर नूरपुर फोर्ट। You are looking nice with cap. Thank you sir. Blue cap, blue jeans. Yes. तो अब हम नूरपुर फोर्ट चलते हैं, लेकिन रास्ते में ब्रेकफास्ट करेंगे, एक मेरा देखा हुआ ढाबा है। और इधर देखिए कोई ऊपर में कोई टाउन जैसा है छोटा सा। हिमाचल कहीं भी जाइए आप तो हर जगह ब्यूटी ही मिलती है आपको। हिमाचल अच्छा है, नेचुरल ब्यूटी, नदी वदी हर जगह, नदी को कितनी बार क्रॉस करते हैं। Yes. दोस्तों ब्लॉग का ये पार्ट हम यहीं पर रोकते हैं और इसके अगले भाग में हम आपको दिखाएंगे कि हम यहां से नूरपुर फोर्ट पहुंचे, हमने ब्रेकफास्ट किया पहले और इसके बाद नूरपुर फोर्ट पहुंचे, वहां ब्रजराज स्वामी का मंदिर देखा, और ऐसा मंदिर दुनिया का इकलौता मंदिर जहां पे मीराबाई और कृष्ण जी की मूर्ति एक साथ विराजमान है, और उसके साथ जुड़ी किंवदंतियाँ और कहानियाँ और नूरपुर फोर्ट के किस्से। तो दोस्तों आप इंतज़ार करें ब्लॉग के अगले भाग का, जल्दी मैं आपके सामने पेश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, नमस्कार। ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।